Hello everyone and welcome at this vocabulary class. Today, before starting any new word, first let me know how was your Sunday. I hope you enjoyed it very much because the season is very sensational. Rainy season chal raha hai aur aap log use definitely enjoy kar rahe hoge. But as I told you, don't forget your study because SBIPO is approaching very clear and very near. Aapka aaj 9 baje ka class hai. Aap sabko pata hai SBI ki class jo hai start ho gayi hai. PO ke exam ko target karke jisme aapko mains ki study karwai jati hai. Fir aapko telegram ka ek link diya gaya. I hope aap sabne us link ko apne saath apne और सोशल मीडियाज के साथ में ऐड कर लिया होगा. तो यहाँ पे मेरे साथ में अनामिका, स्मृति, हितेश, नम्रता, अभी, कोमल, सबजन अवेलेबल हैं. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. चलिए तो आज आपको 9 बजे SBI की क्लास के लिए रेडी होना है जो मेंस को टारगेट करके बनाई गई है. उसके बाद 11 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है जिसमें आज आपको आई विल ट्राई कि आपको कुछ रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट और RC, that is reading comprehension, सिखाया जाए. ठीक है जी. तो डोंट बी लेट, बी ऑन टाइम. फर्स्ट शो इज एट 9 एंड सेकेंड इज एट 11. गुड मॉर्निंग मोनू कुमार जी, हर्ष जी एंड राहुल जी. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. चलिए, दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी आपको, दोनों मैंने कर दी हैं. आज का अगर हम फर्स्ट वर्ड को देखते हैं तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अपर्चर. अपर्चर अपने नेचर में नाउन है. लुक एट द पिक्चर एंड लेट मी नो वॉट इज दिस पिक रिफ्लेक्टिंग. इट्स संधू RSG. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आदिल अशरफ जी, संचित जी, वेरी गुड मॉर्निंग. हेमंत जी गुड मॉर्निंग. इट्स राजा, गुड मॉर्निंग. चलिए जल्दी से अपर्चर का मीनिंग बताना है आपको मुझे. पिक्चर इज वेरी क्लियर. ब्रेक, सबसे पहले सचिन जी ने आंसर दिया दैट इट मीन्स ब्रेक. आदिल सिंह, इट्स बाउंड्री. मीर जाफर जी गुड मॉर्निंग. रिफ्ट हेमंत ने लिखा. गुड मॉर्निंग हेमेंद्र. चलिए दो ही आंसर आए हैं. स्मृति ने आंसर दिया मार्जिन. सुधीर कुमार जी गुड मॉर्निंग. क्रैक ब्रेक हर्ष अग्रवाल. गुड मॉर्निंग सौरभ राज जी. हेमेंद्र जी ने लिखा रेक. क्रैक कोमल. हेमंत जी लिख रहे हैं रिफ्ट. फिर संधू जी लिख रहे हैं क्रैक. सरफेस आकांक्षा, इट्स नॉट सरफेस माय डियर. पिक्चर को ध्यान से देखिए. नम्रता ने कहा क्रैक. अमित जी वेरी गुड मॉर्निंग. क्रीक राजा जी ने लिखा. क्रैक मीर जाफर. सरिता जी गुड मॉर्निंग. सुधीर जी ने लिखा गैप और नम्रता जी लिख रही हैं स्लिट. चलिए अगर हम अपर्चर के मीनिंग को देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है क्रैक, ओपनिंग गैप और वेंट. जब पंजाबी में इसको तरेड़ बोलते हैं. आई होप आप सब पंजाबी हैं और आप इसको समझ पाते हैं. जब चीज़ के बीच में, दीवार के बीचों बीच में क्रैक आ जाता है उसको अपर्चर बोला जाता है. जिसको लैंग्वेज का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए तो कहा जाता है क्लेफ्ट, रिफ्ट, क्रिवाइस, चिंक एंड फिशर. यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्रीक लिखा, राजा जी ने. क्रीक एक साउंड होती है. जब कोई लकड़ी में टर्माइट लग जाती है तो वो जो टर्माइट की वजह से साउंड आता है दैट इज कॉल्ड क्रीकी साउंड. या फिर जब कोई चप्पल को पैर फर्श पे ऐसे रगड़ रगड़ के चल रहा होता है उस समय जो साउंड आता है वो क्रीक होता है. इसको क्रीक नहीं कहा जा सकता. द मिसाइल लेफ्ट जाइजेटनिक अपर्चर इन द वॉल ऑफ द टेररिस्ट हाइड आउट. ठीक है जी. तो क्रैक You all understand, Adil ji, it's not necessary that you understand Punjabi. तो आपको याद रहे, अब हिंदी में इसे क्रैक ही कहते हैं. ठीक है जी. तो जल्दी से देखिए, आज हमारे कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम मुझे याद हैं वो नहीं आए. इफ़ यू पीपल आर लिसनिंग मी काइंडली शेयर दिस वीडियो ताकि उनको पता चल जाए. बिकॉज पिछले कुछ दिनों से इशू चल रहा है कि स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो कैब डोज का. आई होप आप मेरी बात सुन रहे हैं और इतना सा काम है आप कर सकते हैं. एक छोटा सा शेयर का बटन क्लिक करना है. इट्स नॉट दैट मच बिग डील. इफ इट इज़ पॉसिबल काइंडली डू दैट. चलिए जी अपर्चर के बाद द नेक्स्ट इज ट्रांसग्रेस. ट्रांसग्रेस अपने नेचर में वर्ब है. देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, कीप ऑफ द ग्रास, मतलब घास से दूर रहो. मतलब आपको किसी जगह से निकाला जा रहा है, किसी जगह से अलग किया जा रहा है. तो जल्दी से बता दो ट्रांसग्रेस क्या होगा. वेरी गुड मॉर्निंग जतिन जी.
जाहिद जी करके एक स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। जाहिद जी, इफ इट इज पॉसिबल आप प्लीज लाइव चैट पे आ जाइए। मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स का कमेंट साथ में नहीं देख सकती, उस कमेंट को देखने के लिए मुझे सेशन के एंड तक की वेट करनी पड़ेगी। चलिए जी, आकांक्षा जी ने आंसर सबसे पहले दिया पास, फिर आंसर आया एसटीयू अवॉइड, आदिल जी ने लिखा, सचिन ने लिखा डिटेन, रिस्पेक्ट नहीं करना सुधीर जी ने लिखा, प्रोहिबिटेड हेमंत खुशवाहा ने लिखा, दीपक जी लिख रहे हैं रिस्ट्रिक्ट कीप, राजा जी ने लिखा ट्रेसपास, सौरभ जी ने लिखा। वेरी गुड मॉर्निंग टू द पर्सन हु इज विशिंग गुड मॉर्निंग एट दिस टाइम। टीम, इफ इट इज पॉसिबल काइंडली स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए, आई एम अनेबल टू रीड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। वायलेट रूल्स गीतू ने लिखा, प्रोहिबिटेड सरिता, डू रॉन्ग नम्रता, राम राम सुमित जी, लीव अवे संधु जी लिख रहे हैं और कोमल लिख रही हैं अवॉइड। चलिए, अगर हम ट्रांसग्रेस के मीनिंग्स पे जाते हैं तो ट्रांसग्रेस का मीनिंग होता है ट्रेसपास करना। कीप अवे का बोर्ड तभी लगता है जब कोई वहां पे घुसता है। अगर मेरे घर का पर्सनल गार्डन है, मुझे पता है नो वन इज गोइंग टू टच दैट ग्रास विदाउट माय परमिशन, देन आई विल नॉट राइट आउट द बोर्ड। अगर मुझे पता है कि मेरे घर में जो डॉग है वो काटने वाला है, वो काट लेता है स्ट्रेंजर्स को, तभी मैं अपने घर के बाहर बोर्ड लगाऊंगी बिवेयर ऑफ द डॉग्स। तो आपको याद रखना है ट्रांसग्रेस का मीनिंग होता है ऑफेंड करना, डिफाई करना, ब्रेक करना या ट्रेसपास करना, जिसको कहा जा सकता है वेक्स, कॉन्ट्रोवीन, इनफ्रेंज और फ्लाउट। इनफ्रेंज वर्ड मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही लास्ट वीक के शो में पढ़ाया था, जहां पे एक पर्सन जो है दीवार पे चढ़ रहा था और वहां पे लिखा हुआ था इनफ्रेंज, ही हु ट्रेसग्रेसेस मस्ट सीक फॉरगिवनेस। ओके जी, तो डिसोबे नम्रता ने लिखा, उसके बाद से नम्रता जी ने लिखा ब्रेक, स्मृति जी ने लिखा डोंट नो, कोई बात नहीं। आफ्टर ट्रांसग्रेस द नेक्स्ट वर्ड इज रिटार्ड। जल्दी से देखिए रिटार्ड का मीनिंग क्या है। ये रिटार्ड एडजेक्टिव नहीं है जहाँ पे लोगों के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है, मेंटली रिटार्डेड वाली कंडीशन नहीं है, ये रिटार्ड वर्ब है, तो आपको वर्ब के सेंस में मीनिंग बताना है। गुड मॉर्निंग नितिश कुमार जी, स्मृति ने आंसर सबसे पहले दिया दैट इट स्टैंड्स फॉर रोकना। ओके, डी एक्सलरेट गुलशन जी ने लिखा, राजा जी ने लिखा, राजा जी आपने क्या पूछा है, आपने क्वेश्चन लिखा है मैम एम आई राइट, बट किस चीज के लिए यू आर आस्किंग दिस। सेपरेशन अंशु जी ने लिखा, डी एक्सलरेट आदिल जी लिख रहे हैं, सचिन जी ने लिखा डिले, सेपरेशन कोमल, स्लो डाउन सचिन, पोस्टपोन्ड शिवम ने लिखा, सुमित जी लिख रहे हैं पोस्टपोन्ड। देखिए कितना अच्छा सा है, उसके सामने ब्लू और ऑरेंज कलर के स्लिट्स हैं जिसके बीच में उसने हाथ रख दिया है और उनकी जो है उनकी सिमेट्री जो है गिरने की उसको रोक दिया है, वो बीच में अड़चन बन गया है। पोस्टपोन हेमंत जी ने लिखा स्टॉप ऑपरेट, राजा जी ने लिखा नम्रता पोस्टपोन स्टॉप, मीर जाफर, सरिता लिख रही है इम्पीड रिड्यूस, दीपक ने लिखा और नितिश जी ने लिखा सदर, इट्स स्लो डाउन नम्रता ने लिखा। चलिए हम देखते हैं रिटार्ड का मीनिंग होता है, मैंने आपको बोला कि उसने बीच में अड़चन डाल दी है, रुकावट डाली है, तो इसको कहते हैं ब्लॉक, प्रिवेंट स्लो और सप्रेस जिसको कहा जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट obstruct, restrain और clog, repeating, retard का meaning अगर आपने picture को ध्यान से देखा हो तो वो जो blocks हैं उन blocks को गिरने से रोक रहा है बीच में हाथ डाल के, तो किसी काम को रोका जा रहा है जिसको block कहा जा सकता है, prevent, slow और suppress कहा जा सकता है। थोड़ा सा level language का ऊपर कर दे तो restrict, obstruct, restrain और clog। The heavy rain retarded our progress. हिमेंद्र जी, टुडे वी विल टॉक अबाउट मोस्ट प्रोबेबली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
योगेंद्र जी ने लिखा चेक और गुरविंदर जी ने लिखा बज। चलिए जी, रिटायर्ड के बाद द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेशन। प्रिवेशन नाउन है अपने नेचर में, इसको प्राइवेशन भी बोल सकते हैं। प्राइवेशन एंड प्रिवेशन बोथ आर करेक्ट। देयर आर सो मेनी पीपल इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस पिक्चर हु आर लैकिंग फूड, जिनको खाना नहीं मिल रहा है। स्कार्सिटी ऑफ फूड है, स्कार्सिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, स्कार्सिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग है। तो जल्दी से बता दो प्रिवेशन का मीनिंग क्या होता है। बिल्कुल, हिंडर कैन बी यूज्ड स्मृति। हिंडर और हिंड्रेंस का मीनिंग भी यही होता है, रुकावट और अड़चन डालना। बिल्कुल गुलशन, मुश्किलें भी ठीक है। आप जल्दी से प्रिवेशन का आंसर दीजिए। प्लाइट, आदिल जी ने आंसर सबसे पहले दिया। स्टार्वेशन आकांक्षा, गुलशन प्रॉब्लम्स। ओके, पॉवर्टी सरिता, गुड। दीपक जी लिख रहे हैं माल न्यूट्रिशन हार्डशिप। सचिन जी लिख रहे हैं, कोमल ने लिखा पॉवर्टी इनकन्वीनियंस। नितिश जी ने लिखा शिवम ने लिखा हिंड्रेंस। शिवम, हिंड्रेंस पीछे वाले का आंसर हो सकता है। राहुल जी ने लिखा पॉवर्टी, नीड नम्रता। गीतू लिख रही है लैक ऑफ। सुमित जी ने लिखा नीड, इट्स फैमिश्ड। हेमेंद्र जी ने लिखा स्मृति, लैक ऑफ सोर्सेज, स्टार्वेशन। हेमंत, मीना जी लिख रही है वॉन्ट ऑफ कम्फर्ट लाइफ। ओके, चलिए अगर हम प्रिवेशन के मीनिंग को देखते हैं, इट स्टैंड्स फॉर पॉवर्टी नीड वॉन्ट डिस्ट्रेस। हर वो चीज जो किसी भी चीज के लैकिंग को एक्सप्रेस करती है उसको प्रिवेशन कहा जा सकता है। जिसका लैंग्वेज थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा ले तो मीनिंग हो जाएगा डेस्टिट्यूशन, ऑस्टर्टिटी, पेन्यूरी, मिजरी। डेस्टिट्यूशन, ऑस्टर्टिटी, पेन्यूरी, मिजरी, जिसको आसान भाषा में कहा जाता है पॉवर्टी नीड वॉन्ट। ठीक है, द कंट्री हैज सफर्ड थ्रू लॉन्ग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रिवेशन। इन शॉर्ट देखिए, समझिए, अकाल कहते हैं ना, जब भूखमरी होती है, गरीबी होती है, हमें इच्छा होती है पर चीजें अवेलेबल नहीं होती। इट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज कॉल्ड प्रिवेशन। उसके बाद से नम्रता ने आंसर दिया सफरिंग। संधू जी लिख रहे हैं स्टारवेशन। मीर जाफिर जी लिख रहे हैं हंगर। और गुरविंदर जी लिख रहे हैं पॉवर्टी। कम्युनिकेशन, आदित्य जी किस सेंस में लिखा आपने? प्रिवेशन, प्रिवेशन स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। हाउ कम? कम्युनिकेशन तो किसी तरह से है ही नहीं। देवर नॉट ट्राइंग टू कन्वे देयर कंडीशन टू यू पीपल। फेमाइन का मीनिंग अकाल होता है स्मृति। ये अकाल नहीं है, अकाल नहीं पड़ा हुआ था। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अकाल नहीं होता, लेकिन फिर भी लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से दे पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर, दे पीपल आर डाइंग ऑफ माल न्यूट्रिशन। I hope the point is clear to each and everyone listening to me. After privation, the next word is pervade. Pervade अपने आप में verb है. There is a toast in front of you जिसके ऊपर bread जो है वो apply किया जा रहा है. जल्दी से बता दीजिए pervade का meaning क्या होगा. You have a toast in front of you and there is someone invisible who is trying to spread the butter over the toast. Quickly. स्प्रेड, आकांक्षा ने आंसर सबसे पहले दिया। इट्स नॉट अबाउट बटर सुमित, बटर थोड़ी पूछेगा वो आपसे परवेट का मीनिंग। सर्व अप्लाई, आदिल जी ने लिखा टू स्प्रेड। स्मृति, सरिता स्प्रेड लिखा। ओके, इम्ब्यू, सचिन, गुड। शिवम ने लिखा अगेन रॉन्ग। शिवम, वाई द पिक विल आस्क अबाउट यू द बटर? इट्स नॉट अबाउट द बटर, इट्स अबाउट द एप्लीकेशन। ध्यान से देखिए पिक्चर को। संधू जी ने लिखा अप्लाई। नम्रता ने लिखा बटरिंग। नम्रता, बटरिंग का मतलब होता है किसी को फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, ये वो नहीं है। अंशु जी लिख रहे हैं स्प्रेड स्प्रेड। कोमल ने लिखा, हेमंत लिख रही है सैचुरेट। फ्लैटरिंग, नो दीपक, इट्स नॉट फ्लैटरिंग, स्प्रेड अप्लाई। गीतू ने लिखा गुड मॉर्निंग अभिषेक। म्यूजिक 08 लिख रहे हैं स्प्रेड डिस्पर्स। हिमेंद्र जी, गुरविंदर जी ने लिखा प्रॉब। ओके, चलिए जी, जब हम बात करते हैं परवेट की, देखिए वो टोस्ट के ऊपर बटर को अप्लाई कर रहा था, तो इसका मीनिंग है स्प्रेड करना, एक्सटेंड, प्रोपेगेट, इन्फ्यूज, किसी चीज का दायरा, किसी चीज का डायामीटर बढ़ा देना, किसी चीज का एरिया इंक्रीज कर देना, तो उस इंक्रीमेंट को परवेट कहा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं सफ्यूज, पेनिट्रेट,
इम्प्रिग्नेट एंड इम्ब्यू, सफ्यूज, पेनिट्रेट, इम्प्रिग्नेट एंड इम्ब्यू. तो यहाँ पे हमारे पास में और आंसर आए हैं, अप्लाई बाय स्प्रेडिंग. म्यूजिक 08 जी ने लिखा ठीक है, स्प्रेड अराउंड गीतू ठीक. ग्रेन, इट्स नॉट अबाउट ग्रेन, ग्रेन का मतलब अनाज होता है गुरविंदर जी, गलत हो गया. पाटीदार जी लिख रहे हैं स्प्रेड ठीक, स्प्रेड थ्रू अर्जुन ठीक है. सचिन ने लिखा स्प्रेड ठीक, नम्रता फल ये भी ठीक है. अवनीत जी ने लिखा स्प्रेड समथिंग बिल्कुल ठीक. डिफ्यूज, डिफ्यूज नहीं है, सफ्यूज है जी, उल्टा हो गया. राहुल शर्मा जी इन्फ्यूज ठीक है. अर्जुन जी ने लिखा, सचिन ने लिखा स्प्रेड. मधु वेरी गुड मॉर्निंग. सोनालाल जी यू आर वेरी मच लेट, वी आर डन विद 5 वर्ड्स. मधु जी लिख रही हैं स्प्रेड. चलिए जी, अच्छी खासी चर्चा हो गई इस परवेट पे. इसकी एग्जांपल है द ऑफुल स्मेल फ्रॉम द सीवेज प्लांट सीम्ड टू परवेट थ्रू आउट आर हाउस. तो परवेट का मीनिंग होता है किसी चीज का फैल जाना. आदित्य राज जी ने भी लिखा स्प्रेड, जो कि ठीक है. आफ्टर परवेट द नेक्स्ट वर्ड इज परफ्यूज. परफ्यूज अपने आप में वर्ब है. देयर इज अ लेडी इन फ्रंट ऑफ यू हु इज स्टडिंग वेरी डीपली. बहुत ध्यान से देखिए, लुक एट हर फेस. उसके यहाँ पे फ्राउन है फोरहेड पे. जब हम किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, घुस के पढ़ते हैं, उसको उसकी लुक ऐसी होती है. तो जल्दी से बता दीजिए परफ्यूज का मीनिंग क्या है. गुड मॉर्निंग राज जी, जल्दी. परफ्यूज स्टैंड फॉर वॉट. गुड मॉर्निंग राज जी, रीड. ऋषिका ने आंसर सबसे पहले दिया. आकांक्षा इज सेइंग इट मींस कॉन्सेंट्रेट. एग्जामिन ऋषिका. फोकस अभिषेक उपाध्याय जी ने लिखा. गुलशन जी ने लिखा इंटेंशनली. ओके, म्यूजिक जी लिख रहे हैं रीडिंग केयरफुली. सचिन जी लिख रहे हैं एग्जामिन केयरफुली. सफ्यूज गुरविंदर. दीपक जी लिख रहे हैं इन्वॉल्व्ड. गुरविंदर जी आई होप आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे एक वर्ड पीछे चल रहे हैं. सफ्यूज परवेट का आंसर था. प्रोफाउंड एबिस्मल लिखा आदिल जी ने. म्यूजिक जी लिख रहे हैं कंसंट्रेट. परफ्यूज रीडिंग विद कीन सेंस. स्मृति सोनालाल जी लिख रहे हैं. सोनालाल जी मैं हर बार बताती हूँ शायद इस बात का आंसर कि वर्ड को पढ़ने के बाद जो पूरा एक्सप्लेनेशन होता है वो फुल फ्लेज हिंदी में दिया जाता है. मैं बोलते समय वर्ड को एक्सप्लेन करते समय इंग्लिश को यूज ही नहीं करती हूँ. एग्जैक्टली अवनीत, दिस इज माय एरर, इट्स पर यूज. थैंक यू अवनीत, थैंक यू सो मच. इट इज माय, दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम माय एंड. आई स्पेल आउट द वर्ड रॉन्ग, इट इज पर यूज. ओपाइन रीड समथिंग डीपली. फोकस कंसंट्रेट, कंसंट्रेट रीड ओपाइन फोकस एग्जामिन. और ये आंसर हमको दिए हैं प्रदीप जी ने, अर्जुन जी ने, शिवम ने, हेमंत ने, मधु ने, अंशु जी ने और शिवम जी ने. अकी जी लिख रहे हैं रीड आउट और आदित्य जी लिख रहे हैं सर्च. चलिए जी, अगर हम पर यूज का मीनिंग देखते हैं तो पर यूज का मीनिंग होता है रीड, स्टडी, रिवाइज, स्कैन और इंस्पेक्ट. जिसको आपने रीडिंग वेरी केयरफुली लिखा, जिसको आपने कीन रीडिंग लिखा, जिसको आपने कॉन्सेंट्रेट लिखा और जिसको आपने इन्वॉल्व्ड लिखा, उन सब का मीनिंग सेम होता है. जिसको हमने स्कैन या इंस्पेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो इसको एग्जाम हैक से कहा जा सकता है. पोर ओवर, ब्राउज, एनालाइज और ग्रेज. गेज नहीं लिखा है वो, ग्रेज ही लिखा है. तो पोर ओवर, ब्राउज, एनालाइज और ग्रेज. पर यूज द मैनुअल टू सेट अप योर टेलीविजन. ओके, तो ध्यान से पढ़ना इज कॉल्ड पर यूज. ओके, संजय जी लिख रहे हैं फोकस. तो ये आंसर आप सबका सही हुआ. इन वंस अगेन थैंक यू सो मच अवनीत. आफ्टर पर यूज द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिटरेट. ऑब्लिटरेट अपने आप में वर्ब है. देखिए पिक्चर में लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय समथिंग, डिस्ट्रॉय इट इन अ वे दैट नो क्लू इज लेफ्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. तो ये ऑब्लिगेशन से नहीं बना हुआ, ये अलग है. ऑब्लिटरेट वर्ब है. जल्दी से बता दीजिए इसका मीनिंग क्या है. डेफिनेशन पूरी की पूरी आपके सामने लिखी है. जल्दी गुलशन जी ने लिखा ऑब्स्ट्रक्शंस, डिस्ट्रॉय,
ब्लॉट आउट सरिता ने लिखा, एनिहिलेट गुलशन वेरी गुड, डिस्ट्रॉय राज जी ने लिखा, ऋषिका रिमूव डिस्ट्रॉय सुमित जी लिख रहे हैं, सचिन ने लिखा डेसिमेट वेरी गुड, एनिहिलेशन हेमंत ने, सुमित ने डिस्ट्रॉय, वैनिश आउट स्मृति, वाइप आउट राज, दीपक वाइप ऑफ फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ओके, केशव ने लिखा डिस्ट्रॉय, राहुल टू डिस्ट्रॉय, संगम जी लिख रहे रिमूव वेरी ड्रिफ्ट, आदिल जी ने लिखा डिमोलिश्ड हेमंत, कोमल डिस्ट्रॉय रिमूव, मधु ने लिखा डिस्ट्रॉय, अंशु जी रिमूव डिस्पोज, गीतू राहुल डिमोलिश, इफे सरिता वेरी गुड, आकांक्षा वनिश, डिफॉग गुरविंदर, अकी पटेल फॉडू, और अभिषेक उपाध्याय जी ने लिखा इफेज, वेरी गुड वर्ड्स यू पीपल आर यूजिंग टू एक्सप्लेन द टर्म ऑब्लिटरेट. चलिए अगर हम ऑब्लिटरेट की तरफ जाते हैं, डिलीट लिखा शिवम जी ने और पाटीदार जी लिख रहे हैं डिमोलिश, तो इसको कहा जाता है इरेडिकेट, किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, बिल्कुल कि उसका नामो निशान भी ना रहे, उसको कहते हैं ऑब्लिटरेट करना, जिसके सिनोनियम होते हैं इरेडिकेट, रिमूव एंड एंड डिस्ट्रॉय, जिसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए तो कहा जाता है इलिमिनेट, डेसिमेट, एक्सट्रिपेट, डिमोलिश और जैप. डिमोलिश वर्ड आपको आता है, इलिमिनेट वर्ड आपको आता है, तो आप डेसिमेट, एक्सट्रिपेट और जैप याद रख लीजिए. एक्सट्रिपेट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है. द मेमोरी वॉज सो पेनफुल दैट ही ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम हिज माइंड. तो यहाँ पे हमारे पास में और ऑप्शन आए हैं, शिवम जी डिलीट, पाटीदार जी डिमोलिश, अकी पटेल ने एक्सट्रिमिनेट, इरेडिकेट अवनीत ने लिखा, नम्रता डिस्ट्रॉय, एग्रोवेट आदित्य और हटाना संजय जी ने लिखा. एग्रोवेट का मीनिंग होता है किसी चीज को एग्रोवेट करना, आदित्य यहाँ एग्रोवेट नहीं चलेगा, ठीक है जी. चलिए ऑब्लिटरेट के बाद द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लीक. ऑब्लीक आप मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपने सम्स के बीच में आप ऑब्लिक डालते हैं, या फिर इंग्लिश में भी कभी कभी आपको एरर डिटेक्शन में बोला जाता है पार्ट ए के बाद ऑब्लिक लगाइए. तो जल्दी से बता दीजिए ऑब्लिक का मीनिंग क्या होता है, या आप सबका सही होना चाहिए बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन टर्म. क्विकली हिमेंद्र वाइप आउट पीछे का था स्लैंट, आदिल जी ने आंसर सबसे पहले दिया, गुलशन सिंह इट्स कविंग स्लैश शिवम सैंटी गुलशन यादव, अकी ने लिखा लूप साइड स्लैश मधु अकी टिल्ट गुड स्लैंट कर्व्ड स्मृति राहुल इनडायरेक्ट स्लैश शिवम कविंग कोमल केशव बैंडेड स्लैश सरिता, गीतू ने लिखा लीनिंग, अभिषेक लिख रहे हैं और स्लैंट राहुल अभिषेक उपाध्याय स्लैश अटिल्ट सचिन, हेलो राजेश साहू जी, हिमेंद्र लिख रहे हैं स्लैंटिंग स्लैंट हेमंत, गुरविंदर इट्स एब्लेटिव कन्वर्जेंट, राज जी ने लिखा, संजय ने लिखा ओके आई डोंट नो फॉर व्हाट ही इज राइटिंग ओके, राहुल जी ने लिखा नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड अटिल्ट, सचिन जी ने लिखा, देखिए जो स्लैश होती है ना वो थोड़ी ऐसी टेढ़ी होती है, ऐसे करके मुझे आपको दिखाना चाहिए, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये ऑब्लिक होती है. देखिए आपके सामने जो टावर बना हुआ उस पिक्चर में जो टावर है वो भी थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है, ठीक है, इसको लीनिंग कहा जा सकता है, ऐसे टेढ़ा बेंट होता है ये, तो इसका मीनिंग होता है एंगल्ड स्लॉपिंग डायगनल. डायगनल ऐसा होता है ना, ऐसा स्ट्रेट ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, ये सीधा हो गया, दिस इज कॉल्ड डायगनल. तो ऑब्लिक को डायगनल भी कहा जाता है जिसको अटिल्ट स्लैंट वाइज एस्लैंट और कॉनिकल कहा जा सकता है. रिपीटिंग अटिल्ट स्लैंट वाइज एस्लैंट और कॉनिकल. वी सैट ऑन द सेटी ऑब्लिक टू द फायर प्लेस, मतलब ये अगर आपका फायर प्लेस है तो सेटी उसके सामने ऐसे नहीं पड़ी थी, थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी पड़ी थी तिरछी होके. तो बायस तो नहीं आएगा आदित्य जी, ये गलत है. कॉन्स्ट्रेंट नॉट पैरेलल, बिल्कुल नॉट पैरेलल चल जाएगा, लेकिन नम्रता नॉट पैरेलल जो है ये टेम्परेरी आंसर हो सकता है, ये उसका मीनिंग नहीं हो सकता. गुड मॉर्निंग अश्विन,
आफ्टर ऑब्लिक द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनोवेशन. इनोवेशन का आंसर आप सबको आना चाहिए. जल्दी से बता दीजिए इनोवेशन क्या होता है. क्विकली, इनोवेशन स्टैंड्स फॉर व्हाट? इनोवेशन का आंसर बताइए जल्दी प्लीज. गुलशन जी ने लिखा, आदिल जी ने लिखा सबसे पहले आइडिया. गुलशन जी ने लिखा डिस्कवरी, फिर स्मृति क्रिएटिविटी, दीपक न्यू आइडियाज, शिवम डिस्कवरी समथिंग न्यू. अंशु पाटीदार जी लिख रहे हैं क्रिएशन, न्यू क्रिएट. राजेश, सचिन अपहीवल. सरिता डिस्कवर्ड, ऑल्टरेशन रेवोल्यूशन. राज जी लिख रहे हैं, ज्योति जी ने लिखा न्यू मेथड्स, अश्विन न्यू आइडियाज, उसके बाद से आइडिया क्रिएशन डिस्कवरी, गैलेंट्री आइडिया टू गिव न्यू आइडियाज, फर्स्ट स्टेप अपस्टार्ट, इंट्रोडक्शन न्यू आइडिया नोवेलिटी, रीऑर्गेनाइजेशन, रेनेसा आइडिया स्टार्ट करना. रेनेसा बहुत अच्छा वर्ड है हेमंत. किस चीज का डिस्कवर? उपाध्याय जी ने लिखा और राहुल जी लिख रहे हैं न्यू इंट्रोडक्शन. देखिए जी, इनोवेशन का मतलब होता है कोई नई चीज बना के देना, जिसको हम कहते हैं इन्वेंशन, डिस्कवरी, रिन्यूअल, मेटामॉर्फोसिस, नोवेलिटी और ऑल्टरेशन. ठीक है, तो जब भी आप कोई क्रिएटिविटी करते हो, जब भी आप कोई नई चीज लेके आते हो, ऐसी चीज जो पहले नहीं थी उसे आपने इन्वेंट किया है, दैट विल कॉल्ड योर इनोवेशन, जिसको आप मेटामॉर्फोसिस, नोवेलिटी और ऑल्टरेशन कह सकते हो. द इनोवेशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स इज व्हाट ग्रांट्स ह्यूमैनिटी अमेजिंग टेक्नोलॉजी सच एज स्पेस फ्लाइट और द इंटरनेट. ओके, तो ये आपका नाइन्थ वर्ड था आज के सेशन का. और द लास्ट वर्ड वी हैव इज इनर्ट. एडजेक्टिव इसका नेचर है. देयर इज अ गर्ल इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस पिक्चर हु इज लाइंग डाउन ऑन द टेबल. तो जल्दी से बता दो इनर्ट का मीनिंग क्या है. बिल्कुल नम्रता फ्रेश, ठीक है, वो इनोवेशन का आंसर है. यहां पे अब वर्ड चेंज हो गया है, आपको इनर्ट का आंसर बताना है क्विकली. एक्सपेरिमेंटल, ओके. चलिए अब जल्दी से इनर्ट का आंसर बता दीजिए. इंट्रोवर्ट गुलशन जी ने लिखा, स्मृति इनएक्टिव, स्लगिश लेथार्जिक आदिल जी ने लिखा, अंशु जी ने लिखा लेजीनेस, दीपक लिख रहे हैं इनएक्टिव, हेमंत जी ने लेथार्जिक, टायर्ड सरिता, राहुल स्लगिश, लेजी कोमल, लेजीनेस स्लोली केशव, इनएक्टिव हेमेंद्र, राज जी लिख रहे हैं अनमूविंग, नॉट वेरी रिएक्टिव. नॉट वेरी एक्टिव लिखिए दीपक जी, रिएक्टिव मत लिखिए अगर आपने नॉट वेरी लिखना है तो. फिर प्ररूप जी लिख रहे हैं इनएक्टिव, फिर अनमूविंग, रिएक्शन स्टैटिक, मोशनलेस, डॉर्मेट और स्टॉक स्टिल. वेरी गुड सचिन. इनएक्टिव, इनएक्टिव, अनस्टेबल, आलसी अभिषेक, लेजी लेजी, लेथार्जिक, बिल्कुल गुलशन लेथार्जिक ठीक हो जाएगा. फिर इनएक्टिव, सौगी इनएक्टिव, रिकी जी आप बहुत ज्यादा लेट हैं, वी आर एट द लास्ट वर्ड. बोवाई नकी पटेल जी ने लिखा और ज्योति जी ने लिखा इनएक्टिव. चलिए जी, इनर्ट का मीनिंग होता है स्लो, स्लगिश, डल, स्लैक और लेजी. स्लैक को याद रख लीजिए, स्लैक नया वर्ड है, आप में से किसी ने नहीं लिखा और इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो कहा जाता है स्टॉक स्टिल, टॉर्पिड, लैंग्विड, ओटाइज और डल. ओके, डल रिपीट हो गया, तो स्टॉक्सिल, टॉर्पिड, लैंग्विड और ओटियोज, इसको ओटियोज और ओटाइज भी कहा जाता है. सिंस माई वुंडेड डॉग इज इनर्ट, आई हैव टू लिफ्ट हिम अप एंड पुट हिम इन द कार. दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. वी आर डन विद आवर 10 वर्ड. और मंडे से ही आपका जो है सैटरडे का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है. मंडे टिल फ्राइडे आपको जो भी पढ़ाया जाता है सैटरडे उसका MCQ होता है. ठीक है, तो सेशन में जितने वर्ड ईजी लगे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, जो टफ लगे हैं उनको एक तरफ करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. अपनी 9 बजे की क्लास के पहले हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं 11 बजे विद योर RC, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सी यू.